ये है दिल्ली दर्पण। हर वर्ग का, चाहे आरडब्ल्यू वाले हों, व्यापारी हों और रिक्शे वाले भाई हों, चाहे पटरी वाले हों, चाहे रेड़ी वाले हों, चाहे ऑटो यूनियन वाले हों, रामचंद्र के अपने भाई हैं और उनको पूरी मेरी दया हमदर्दी है और मेरे ऊपर पूरा भरोसा है पार्टी के ऊपर कि उन्होंने इस क्षेत्र के बहुत विकास किया है। और हमने तो 2.5 साल में यहाँ रोड भी बनाए, पाइपलाइन भी डलवाई, एक इतना बड़ा स्कूल बनवाया है जिसमें 148 कमरे हैं। इन हमारे लाखों भाई यहाँ पर गरीब भाई रहते हैं, उनके बेटा बेटी हमारे अपने भाई पढ़ेंगे। क्या लगता है डी ब्लॉक की स्थिति देखी जाए तो काफी खराब है? पूरे जो डी ब्लॉक में मैंने पाइपलाइन डलवाई है, पाइपलाइन डलने के बाद में कोरोना आ गया, इसलिए उनकी उनका जो है टेंडर है ये 28 के बाद में वो पूरी गलियां बनेंगी। लोग काफी नाराज है इसको लेकर, रोष भी है, तो कैसे मनाएंगे? रामचंद्र से कोई नाराज नहीं है, सब मेरे अपने हैं, जिंदाबाद, सब मेरे अपने हैं। आपको क्या लगता है कितना समर्थन मिलने वाला है लोगों? भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी वार्ड नंबर 32 जीत रही है। अरविंद केजरीवाल जी का जो काम है वो जो विपक्ष पार्टी है वो उनका विपक्ष गिना ही नहीं पा रहे हैं। इनके काम को एक सांस में कोई विपक्ष गिना दे तो मैं आज कहता हूं कि मैं सीट हार जाऊंगा। एक सांस में विपक्ष या आम आदमी पार्टी का काम नहीं गिना सकता है। इतना अरविंद केजरीवाल ने काम कर दिया सिर्फ 6 साल में और 70 साल और MCD के अंदर जो 15 साल में बीजेपी ने जो कुशासन मचा के रखा हुआ है, करप्शन का ढेर मचा के रखा हुआ है, सफाई के नाम पे कूड़े का ढेर मचा दिया है, तो बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है। वार्ड 32 भारी बहुमत से हम जीत रहे हैं और ये जो वार्ड 32 के जितने भी पूर्वांचली हैं हमारे यूपी बिहार के भाई हैं वो अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं और ये सीट अरविंद केजरीवाल के झोली में डाल के रहेंगे। समर्थन तो आपको मिल रहा है, आप बता रहे हैं, पर रोष भी लोगों में काफी है, तो उसको रोष की बात ऐसी है तो रोष तो थोड़ा बहुत चलता रहता है, मगर अरविंद केजरीवाल जी के नाम से सभी पब्लिक खुश है क्योंकि उनने विकास इतना कर दिया है कि शायद ही कोई कर पाए। जो MCD में 15 साल से बीजेपी है, कूड़ा कर रखा है यहाँ पर, भ्रष्टाचार इतना मचा रखा है, गुंडागर्दी मचा रखी है यहाँ पर बहुत ज्यादा करके, इसलिए अरविंद केजरीवाल के नाम से सब खुश है जी। इसलिए अब यहाँ से आम आदमी पार्टी जीतेगी, आम आदमी पार्टी आएगी, फुल बहुमत से आएगी, कम से 5 से 6 हजार वोटों से लीड करेगी आम आदमी पार्टी यहाँ से। और आगे आगे कहाँ कहाँ पदयात्रा? अभी हमारी जय कॉलोनी में पदयात्रा निकल रही है, अभी इस ब्लॉक में भी जाके पदयात्रा भी हम करके आ रहे हैं मार्केट में, अभी आगे और जा रहे हैं और पूरे बहुमत से हम 32 वार्ड में हम जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और MCD में हम पूरे बहुमत से और इसमें दिखाएंगे, अभी जो सीटें जितनी भी सीटें हैं इसमें हम पूरे बहुमत से आ रहे हैं। हम तो लोगों में भी काफी रोष है, आप मिल रहे हो डी ब्लॉक के लोगों, उन्होंने समस्या बताई है, गली में ऐसे जाए तो नालियों की मतलब की ऐसी अंबार, आपको पता है कोरोना काल आ गया, कोरोना काल पर यहाँ पे 1 साल से जो काउंसलर था कोई काउंसलर भी नहीं था और उसके बाद MCD के हैंडओवर थी जो कोरोना काल चले जाएगा, कोरोना काल सफाई हो, सफाई होना है, इलेक्शन के बाद में अब सफाई होना शुरू हो जाएगी और आप देखिए अब सफाई होना शुरू हो चुकी है, ठीक है, और कोरोना काल खत्म होते ही हमारा ये सफाई अभियान और बहुत तेजी से होगा और अच्छी तरह इस सभा डेयरी के अंदर इतना विकास होगा आप खुद देखेंगे। अगले इलेक्शन में हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप हमसे खुद कहना है कि आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी, आप कार्य करता है लोगों से मिल रहे हैं तो लोगों क्या समस्या बता रहे हैं? लोगों ने सब सही कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, सारे काम हुए हैं और काम होंगे, स्कूल वगैरह सही बने हैं, अच्छा साफ सुथरी रोज है, ये सफाई होगी, निगम नहीं थी इस वजह से ये काम ना हो पाई है, विधायक तो है लेकिन वो सफाई करे, कोरोना काल में कोई काम नहीं कर पाए थे, अब हो रही है काम, कुछ तनख्वाह का अंदर जो है उनका ये भी कहना है कि जो विधायक के अंडर काम है वो भी नहीं हो पा रहे हैं। नहीं
नहीं होगी, ऐसी बात नहीं, सारे काम हो रही हैं। हाँ, ये बीमारी की वजह से थोड़ा सा इंसान इधर उधर थे, और अब जो है ना सारे काम होंगे। आपने देख ही लिया होगा कि प्रत्याशी रामचंद्र जी से ही बात करें, उनके कार्यकर्ताओं से भी, और जिन आम जनता से मिल रहे थे उनसे भी, तो सभी का ये कहना है कि इस बार रामचंद्र जी अरविंद केजरीवाल की तरफ से भारी बहुमत से जीतने वाले हैं, और साथ ही साथ यहाँ का विकास भी करेंगे। पर अभी देखने वाली बात ये होगी कि 3 तारीख को क्या नतीजा आता है और यहाँ का निगम पार्षद कौन बनता है। कैमरामैन सोनू के साथ मैं शिवानी मोरवाल, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर